बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नादिया, आप देख रहे हैं सरा डिशेज़। हमारे चैनल को देखने वाले तमाम फ्रेंड जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन वो मैं बनाऊँगी तंदूर के बग़ैर, कढ़ाई में या तवे पर, आप जिस पर मर्ज़ी बना सकते हैं, ऑप्शन है आपके लिए। तो उसके लिए जो जो अशिया मुझे चाहिए, दही लिया मैंने 3 खाने के चम्मच दही लिया है, उसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन, उसके अलावा ये मैंने चिकन पीस लिए हैं, इनको मैंने कट लगा लिए हैं, ये बड़े मैंने उसी तरह लिए हैं। सिरका मैं 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करूंगी, अगर सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इस पे तमाम मसाले डाल दूंगी और हाथों की मदद से जो कट है, कट डीप लगाने हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कट मैंने डीप लगाए हुए हैं, कट में अच्छी तरह जो है वो मसाला लगाऊंगी, दही और तमाम मसाले में डाल रही हूँ। तमाम मसाले मैंने मिक्स करके अच्छे से इसे लगा दिए हैं। अभी हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम दोबारा मिलते हैं, 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। जी तो फ्रेंड, 1 घंटा हो चुका है इसे मैरिनेट होते हुए, देखिए पानी वगैरह छोड़ दिया हुआ है। अभी हम चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा ऑन करके उस पर मैंने तवा रखा है और 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अभी मैं ये चिकन के पीसेस उठा के इस पर रख देती हूँ, आँच हम मीडियम रखेंगे। चिकन के पीसेस उठा के मैंने तवे पर रख दिए हैं, अभी हम इन्हें मीडियम आंच पे पकने देंगे एक साइड से तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये जो चिकन पानी छोड़ है ना, ये जब ख़त्म होगा तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। एक साइड से पानी बिल्कुल खुशक हो गया है, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, आंच मैंने नॉर्मल ही रखी है। अभी हम साइड चेंज कर देते हैं दूसरी साइड से, ताकि जो पानी है वो निकल के खुशक हो जाए और सही सा अंदर तक ये पक जाए। अभी दोबारा से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, अभी हम इसे सारी साइडों से पकाएंगे, इसका कलर लाएंगे। अभी इस साइड से नहीं सही आया, अभी हल्की हल्की आंच पे हम इसे पकाते रहेंगे जब तक कलर सही नहीं आता तंदूरी चिकन वाला। चिकन हर तरफ से पक गया, अभी मैं इसको उतार लेती हूँ और हम इसे धुआं लगा लेते हैं। मैंने रख दी है, अभी मैं इन पे कुकिंग ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर से कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। जब ये धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो मैं खोल लूँगी। धुआं ख़त्म हो गया, अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। लें जी, मज़ेदार सा तंदूरी चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, मुझे दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।